चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो हमारी इकोनॉमिक्स की सीरीज चल रही है, इसका पार्ट नंबर 26। आज का जो हमारा टॉपिक है वो काफी इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग देखेंगे कि बैंकिंग सेक्टर जो हमारा भारतीय बैंकिंग सेक्टर है, ये जब बूम अप नहीं कर रहा था, मतलब इसमें ज्यादा ग्रोथ नहीं हो रही थी, तो इसकी ग्रोथ कैसे हो, इसके लिए एक समिति का गठन किया गया था, जिसके जो हेड थे वो नरसिम्हा राव थे। इसीलिए इस कमेटी का नाम पड़ गया नरसिम्हा राव कमेटी। ओके, इन्होंने जो रिपोर्ट दी थी, कई बार पूछा गया है कि इन्होंने रिपोर्ट दी थी वो किस पर दी थी, तो बैंकिंग रिफॉर्म से रिलेटेड इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी थी, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, तो नरसिम्हा राव जो कमेटी है वो किससे संबंधित है, वो बैंकिंग रिफॉर्म से संबंधित है। आप यहाँ पर इनकी पिक देख सकते हैं, यहाँ पर ये नरसिम्हा राव है। अगर इनका आप इंट्रोडक्शन देखने आप चाहते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, मैंने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है जो पीटी और मेंस के लिए है। इसमें हम लोग टारगेट करेंगे प्रीलिम्स 2021 एंड 22 को। ओके, मैं 8 मंथ में आपको जो प्रीलिम्स है उसके पूरा का पूरा सिलेबस यहाँ पर कवर कराने जा रहा हूँ। इसके तहत आपको डेली टास्क मिलता है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। इस तरह से आपको टास्क दिया जाता है, आपको ये टेलीग्राम पर मिल जाएगा। आप लोग अगर टेलीग्राम से मुझसे ज्वाइन होना चाहते हैं तो कमेंट करिए, तो कमेंट में आपको लिंक शेयर कर दूंगा। ओके, तो आप लोगों को इस तरह से टास्क मिलता है, आपको कंप्लीट करना होता है, साथ में आपको न्यूज़पेपर पढ़ना होता है, रिवीजन करना होता है, और 5 बजे आकर के टेलीग्राम पर टास्क देना होता है। डेली टास्क होता है और मैपिंग टास्क मिलता है। तो अभी मैंने आपको मैपिंग टास्क नहीं दिया है, लेकिन 1-2 दिनों के बाद आपको मिलने लगेगा। ओके, तो इसी तरह आपको डेली टास्क मिलता है। और देखिए, अगर आप लोग इकोनॉमिक्स की सीरीज देखना चाहते हैं तो क्लब आई एस एस्पिरेंट आप लोग यूट्यूब पर सर्च करिए, यहाँ पर आपको हमारी सारी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, आप इन दोनों को देख सकते हैं। अगर आप लोग डायरेक्ट सर्च करना चाहते हैं तो आप लोग सर्च कर सकते हैं इकोनॉमिक्स बाई आर जी सर। जैसे ही आप इकोनॉमिक्स बाई आर जी सर सर्च करेंगे तो आपको मेरी केवल इकोनॉमिक्स की इस तरह से सारी वीडियोस मिल जाएंगी, जिन्हें आप देख सकते हैं, जिसमें अगर आपने अगर इन सारी वीडियोस को देख लिया तो इकोनॉमिक्स में आपको कोई भी डिफिकल्टी नहीं आने वाली। अगर आप लोग मुझसे कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं, यहाँ पर आप जीमेल से लेकर के ट्विटर, इंस्टाग्राम या फिर व्हाट्सएप पर कहीं पर भी मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। अगर आप कोशिश करिए टेलीग्राम पर ही कनेक्ट होने की, वहाँ पर मैं ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ और वहाँ पर ही टेस्ट स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा, डेली न्यूज़पेपर भी वहाँ पर मिलेगा। ओके, यहाँ पर ये हमारे क्लब का लोगो है, आप इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं हमारे चैनल को, जिससे आपको सारी वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहे। ओके, तो चलिए हम लोग आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नरसिम्हा राव कमेटी, देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस कमेटी का गठन हुआ था वो बैंकिंग क्षेत्र में सुधार को सुनिश्चित करने के लिए किया गया था। और इस कमेटी का जो गठन है वो 2 टाइम किया गया, मतलब 2 बार किया गया। एक 1991 में किया गया, फर्स्ट टाइम कब किया गया, 1991 में किया गया, और सेकंड टाइम किया गया था 1998 में। तो आपको ये ध्यान रखना है, इस कमेटी का गठन 2 बार किया गया है। आप लोग कंफ्यूज ना होइए, क्योंकि कभी 1998 आ गया तो आप लोग कंफ्यूज जाएंगे कि नरसिम्हा राव कमेटी का तो गठन 1991 में हुआ था, इसीलिए मैंने यहाँ पर आपको बता दिया, तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए हम लोग सुझाव देख लेते हैं कि इन्होंने क्या क्या कहा था। तो देखिए, बहुत ही बेसिक सुझाव है, अगर आप अपने मन से भी अगर थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे तो आप भी इसका आंसर आराम से दे सकते हैं। तो एक बार ध्यान से सुनिए, आपको ये ज्यादा इसको रटने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर जैसे मैं आपसे पूछता हूँ कि बैंकिंग सेक्टर में आपको रिफॉर्म करना है तो आप लोग क्या क्या बोलेंगे, तो देखिए जो पॉइंट आप बोलेंगे वही मैक्सिमम इसमें यहाँ पर दिए रखे हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, बैंकों की राष्ट्रीयकरण की प्रक्रिया को कम किया जाए। ओके, यानी कि एक तरह से रोक दिया जाए। ऐसा क्यों, देखिए बैंकिंग हम लोगों ने देखा था जब हमारा देश आजाद हुआ था, फिर उसके बाद जो ग्रामीण क्षेत्र में बैंकिंग जो सुविधा थी उसका विकास नहीं हो पा रहा था, तब गवर्नमेंट ने राष्ट्रीयकरण करके बैंकिंग व्यवस्था को हर क्षेत्र में फैलाने की कोशिश की थी और देश के प्रत्येक नागरिक को बैंकिंग सुविधा प्रदान करने की कोशिश की थी, वित्तीय समावेशन से जोड़ने की कोशिश की थी। तो ये राष्ट्रीयकरण कैसे बैंकों की जो ग्रोथ होती है उसमें कैसे बाधा बनता है, अब देखिए कैसे बाधा बनता है। मानते हैं एक एक्स व्यक्ति है, मानते हैं कि मैं हूँ। ओके, और मैंने एक क्लब बैंक की स्थापना की। अब देखिए, मैंने क्लब बैंक की स्थापना की और मैंने इसमें काफी मेहनत की, लेकिन गवर्नमेंट ने इसको राष्ट्रीयकरण करके अपने अंडर ले आई। अब देखिए, मैंने अपनी बैंक खोली थी और उसको गवर्नमेंट ने अपने अंडर में ले लिया, लेकिन अगर मेरी तरह और भी तो लोग होंगे, ओके मानते हैं और भी लोग होंगे, वो देखेंगे यार मेरी बैंक काफी अच्छे से चल रही है, वो लोग भी खोलते हैं। लेकिन अब उन लोगों के लिए पता चल गया कि क्लब बैंक का तो गवर्नमेंट ने अधिग्रहण कर लिया ना, तो ये भी लोग जो मोटिवेटेड हो रहे थे एक तरह से बैंक और ज्यादा खोलने के लिए, बैंकिंग क्षेत्र में निवेश करने के लिए, तो वो लोग इसमें निवेश नहीं करेंगे तो बैंकिंग क्षेत्र का एक तरह से विकास नहीं हो पाएगा। और साथ में जब जो बैंक होती है वो गवर्नमेंट के अंडर में आ जाती है, तो आप लोग जानते हैं
उसकी जो सेवाएं होती हैं वो इतनी ज्यादा इफेक्टिव नहीं रहती हैं। जैसे आप लोग जानते होंगे कि निजी क्षेत्र में आप जाएंगे तो सर्विस आपको काफी बेहतर मिलती है, लेकिन वहीं आप सरकारी जो बैंक्स में जाएंगे तो वहां पर सर्विस होती है वो काफी लेजी मिलती है, बहुत टाइम लग जाता है। ओके, तो आप लोग देख सकते हैं इस तरह से। तो इसीलिए इसमें कहा गया था कि भारत में जो बैंकों के राष्ट्रीयकरण की प्रक्रिया है उसको कम किया जाए या फिर रोक दिया जाए, बंद कर दिया जाए। ओके, तो ये आप नंबर एक याद रख सकते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और दूसरा, इसमें कंप्यूटरीकरण की बात की गई थी, मतलब पूरा कंप्यूटराइज कर दिया जाए। जैसे जब कंप्यूटराइज हो जाएगा तो जो काम होगा वो काफी इफेक्टिव रूप से होगा, सारी संस्थाएं होंगी, सारी शाखाएं होंगी, एक दूसरे से कनेक्टेड होगी, तो उपभोक्ता कहीं से जाकर के कोई भी सेवा ले सकता है। तो क्या होगा, एक तो बर्डन भी कम होगा और इससे टाइम भी कम लगेगा और जो बैंक का पैसा होगा वो भी कहीं ना कहीं बचेगा। ओके, तो पूर्ण कंप्यूटरीकरण यानी कि पूरा इलेक्ट्रॉनिक रूप से इसको जोड़ने की बात की गई थी। और दूसरा, निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के जो बैंकें हैं इनके लिए समान नियमों की बात की गई थी, मतलब सेम नियम होना चाहिए चाहे निजी क्षेत्र की बैंक हो या फिर सार्वजनिक क्षेत्र की बैंक हो, इनके लिए अलग अलग नियम नहीं होने चाहिए, जिससे क्या होगा समानता आएगी और दोनों बैंक चाहे वो निजी क्षेत्र की हो या फिर सार्वजनिक क्षेत्र की हो दोनों प्रतिस्पर्धा कर पाएंगी। ओके, और इसमें कहा गया था कि जो कमजोर बैंकें होती हैं इनका विलय, इनका मर्जर मजबूत बैंकों में ना किया जाए। इससे क्या होता है, अभी ऐसे मतलब जो विलय करने की मर्जर करने की प्रक्रिया है ये यहाँ पर उन्होंने क्यों मना किया था ये भी आपको अच्छे से समझना है। जैसे मानते हैं मेरी बैंक एक क्लब, ओके, ये काफी अच्छी चल रही है, और एक बैंक है एक्स बैंक, ओके, एक्स बैंक है, ओके, अब ये घाटे में चल रही है। मानते हैं इसके ऊपर 1,000 रुपये कर्ज हो गया, मतलब ये माइनस में 1,000 रुपये चली गई, और मेरी बैंक है प्लस 500 रुपये प्रॉफिट कमा रही है। ओके, तो मैं तो प्रॉफिट में चल रहा हूँ ना, अब क्या हुआ, ये बैंक दिवालिया होने लगी थी एक्स बैंक, तो इसका मर्जर क्लब में कर दिया गया, गवर्नमेंट ने इसका मर्जर इसमें कर दिया। अब देखिए इसमें कर दिया तो मैं इसको एक तरह से इसका जो बर्डन है वो कहीं ना कहीं इसका लिया लिया है ना, तो जो मेरा प्रॉफिट है वो भी तो एक तरह से प्रभावित होगा, तो जो मैं पहले अच्छे से अपना विकास कर पा रहा था वो नहीं कर पाऊंगा, और हो सकता है मेरी भी जो बैंक है क्लब बैंक है इस पर भी वित्तीय संकट आने लगे। ओके, तो क्या हुआ, मैं और भविष्य में अच्छा काम कर सकता था, लेकिन इस बैंक के मर्जर की वजह से कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि मेरी बैंक भी हल्के हल्के कम प्रॉफिट कमाने लगे, घाटे में जाने लगे। ओके, तो इससे क्या होता है, जो सशक्त बैंकें होती हैं उन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, इसीलिए विलय करने की प्रक्रिया को मना किया गया, जो अत्यंत कमजोर बैंकें हैं उनका मर्जर मजबूत बैंकों में ना किया जाए। ओके, और साथ में कहा गया था कि कुछ बैंकें हैं उन्हें विश्व स्तर पर उठाना चाहिए। जैसे आप लोग जानते हैं हमारी जो हमारे देश में जो बैंक है, ओके, वो सिर्फ एक बैंक है टॉप 100 में वर्ल्ड लेवल पर, SBI, ओके, और कोई भी बैंक नहीं है। तो इस बात की गई थी कि ऐसी जो हमारे देश में कई सारी बैंकें होनी चाहिए जो विश्व स्तर पर होनी चाहिए। ओके, और इसमें बात की गई कि जो सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकें हैं, पब्लिक सेक्टर की बैंकें हैं, उन्हें स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध होकर के पूंजी प्राप्त करने का अवसर देना चाहिए, जिससे उनके पास अधिक धन आएगा, अधिक रुपया आएगा, और तो वो अपना ज्यादा विस्तार कर पाएंगी, और अपना विस्तार करेंगी तो सभी क्षेत्रों में जा पाएगा, तो वित्तीय समावेशन को सभी से जोड़ा जा सकता है। ओके, और प्रतिस्पर्धा होगी तभी वो लोग बैंकें आगे बढ़ सकती हैं। और इसमें कहा गया था जमा राशि पर जो ब्याज की दरें हैं उन्हें स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए, RBI का उसमें ज्यादा हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। ओके, तो आप लोग इन्हें ध्यान रख सकते हैं। और साथ में कहा था कि CRR और SLR इसमें कमी की जानी चाहिए, इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कि CRR और SLR स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा होता था, लेकिन अब CRR और SLR इसकी दर बहुत कम कर दी गई है। और जो NPA होता है, मैंने आपको बताया था नॉन परफॉर्मिंग एसेट होता है, ओके, इसकी वसूली के लिए एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी की स्थापना करनी चाहिए, क्योंकि जो NPA जैसे जैसे बढ़ता है तो इसका मतलब बैंक के ऊपर कहीं ना कहीं बोझ बनता है और बैंक कहीं ना कहीं घाटे में जाने लगती है। तो NPA की रिकवरी करने के लिए इन्होंने रिकमेंडेशन दी थी कि एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी की स्थापना करनी चाहिए। ये क्या होती है, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ऐसी कंपनियां होती हैं जो इस NPA की वसूली करती हैं अपने एजेंटों के माध्यम से। ओके, तो ऐसी एजेंसी, ऐसी कंपनी की स्थापना करने की इन्होंने बात कही थी, जिससे NPA को कम किया जा सके और बैंक घाटे में ना जाए। और इन्होंने 10वां कहा था कि प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में जो ऋण दिया जाता है
ओके, उसमें एक नियम है कि इतना इतना, जैसे कि मानते हैं कि एक बैंक है वो 100 रुपए ऋण देती है, तो एक उसका निश्चित अनुपात होता है कि एक्स अमाउंट मानते हैं 30% इन्हें प्राथमिकता वाले क्षेत्र में देना ही देना है। ओके, तो इसको अनिवार्य ना बनाया जाए, इसको हटा दिया जाए कि बैंक को स्वतंत्र कर दिया जाए कि वो किसी भी क्षेत्र में ऋण दे सकती है। अभी प्राथमिकता वाले क्षेत्र क्या है, हम इन्हें भी देख लेते हैं, काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसमें जैसे बुनियादी निर्माण, ओके, कृषि एवं इससे संबंधित क्षेत्र होते हैं जितने भी, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, और एग्रीकल्चर से संबंधित क्षेत्र जैसे कोई भी पशुपालन हो गया या फिर उसके लिए कोई मशीनरी खरीदना, ये सभी प्राथमिकता वाले क्षेत्र होते हैं। अगर एजुकेशन में कोई भी निवेश किया जा रहा है वो भी प्राथमिकता वाले क्षेत्र में आता है। और कम मूल का विनिर्माण, ओके, जो विनिर्माण मैन्युफैक्चर होता है, ओके, इसके लिए कम कम मूल का अगर होता है तो उसे भी प्राथमिकता वाले क्षेत्र में रखा जाता है। ऐसा नहीं, बहुत यूज लेवल पे अगर निवेश किया गया है विनिर्माण के क्षेत्र में तो उसे प्राथमिकता वाले में नहीं रखा जाएगा। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। इसीलिए इसमें देखिए एक वर्ड जुड़ा है, कम मूल्य। और निर्यात, यहाँ पर निर्यात के लिए अगर निवेश किया गया है तो वो भी प्राथमिकता वाले क्षेत्र में रखा जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सूक्ष्म, ये सूची नहीं होगा, यहाँ पर सूक्ष्म होगा। ओके, सूक्ष्म और लघु उद्योग, ओके, इसके लिए अगर लोन लिया गया वो भी प्राथमिकता वाले क्षेत्र में आएगा। और समाज के जो कमजोर वर्ग हैं, समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए अगर लोन लिया गया या फिर उन लोगों ने लोन लिया है तो वो भी प्राथमिकता वाले क्षेत्र में आता है। और इसमें प्राथमिकता वाले क्षेत्र में जो मैंने यहाँ पर ग्रीन कलर से लिखा है, ये अभी इसमें नए ऐड किए गए, ये पहले ऐड नहीं थे, ये बाद में ऐड किए गए, इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको ये ध्यान रखना है। ओके, इसमें और क्या क्या ऐड किया गया, इसमें जो अगर नवीकरणीय ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा जैसे सौर ऊर्जा हो गया, नवीकरणीय ऊर्जा के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया बहुत डिटेल में। ओके, तो नवीकरणीय ऊर्जा से संबंधित अगर लोन लिया गया है, जैसे कि सौर सौर पैनल खरीदना है, ओके, तो किसी ने पैनल खरीदे हैं उसके लिए लोन लिया है, तो वो लोन किस में आएगा, वो प्राथमिकता वाले क्षेत्र में काउंट किया जाएगा। ओके, इसी तरह सामाजिक बुनियादी निर्माण, जैसे कि सामाजिक बुनियादी निर्माण जैसे कि कॉलेज, हॉस्पिटल, ये सारी चीजें आती हैं, ये सामाजिक बुनियादी निर्माण में आती हैं। इसके लिए अगर लोन लिया गया है तो वो भी प्राथमिकता वाले क्षेत्र में काउंट किया जाएगा। ओके, इसी तरह मध्यम आकार की, देखिए यहाँ पर सिर्फ पहले क्या था, पहले सूक्ष्म और लघु उद्योग थे, लेकिन अब इसमें मध्यम आकार के भी औद्योगिक इकाइयों को शामिल कर लिया गया है, इसलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसीलिए आपको यहाँ पर इसको ध्यान रखना है। साथ में जो जो पीएम जनधन योजना है, इसके तहत ओवरड्राफ्ट की जो सुविधा दी जाती है 5,000 रुपये, ओके, 5,000 रुपये, ये भी प्राथमिकता वाले क्षेत्र में आता है, जिसको अधिशेष राशि बोलते हैं। अब प्राथमिकता वाले क्षेत्र में जो हिस्सा दिया जाता है, इसके लिए एक नियम है, वो भी यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। तो इसको हम दो भागों में बांट करके देख सकते हैं। ओके, सॉरी, यहाँ पर देखिए 20 शाखा, जो 20 या इससे अधिक शाखाएं हैं विदेशी बैंकों की, प्लस सभी भारतीय बैंक, मतलब भारतीय बैंक चाहे उसकी एक शाखा हो फिर या फिर अनेक शाखाएं हो, उनके लिए सेम कैटेगरी ही लागू होगी। लेकिन विदेशी बैंकों के लिए यहाँ पर थोड़ी छूट दी गई है, इनकी जो बड़ी बैंक हैं उनके लिए अपनी कुल ऋण का, जैसे मानते हैं अगर वो 100 रुपये ऋण के रूप में देते हैं तो इस 100 रुपये में से 40%, तो 100 रुपये का 40% कितना हुआ, 40 रुपये उन्हें इस प्राथमिकता वाले क्षेत्र में देना होगा। जो प्राथमिकता वाले क्षेत्र कौन से हैं, जो अभी देखिए यहाँ पर हमने बात की है, जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक के जितने भी क्षेत्र हैं ये सभी प्राथमिकता वालों में काउंट किए जाएंगे। तो यानी कि सभी भारतीय बैंक और ऐसी विदेशी बैंक जिनकी 20 से अधिक शाखाएं हैं उनके लिए इस 100 रुपये में से 40% यानी कि 40 रुपये देना पड़ेगा इस प्राथमिकता वाले क्षेत्र में, ये अनिवार्य है। अगर इससे कम दिया तो उनके ऊपर जुर्माना लगाया जाएगा, जो शेष बचता है तो वो अपने हिसाब से किसी को भी दे सकती हैं। ओके, और इस 40% में से भी इसका 18% है वो सिर्फ और सिर्फ किस में जाना चाहिए, एग्रीकल्चर में जाना चाहिए। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं प्राथमिकता वाले क्षेत्र में बहुत सारे हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एग्रीकल्चर है ना, तो इसमें अकेले 18% यहाँ पर आना चाहिए। ओके, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिनकी 20 से कम शाखाएं हैं ऐसी विदेशी बैंक, तो उनके लिए थोड़ी सी छूट दे दी गई क्योंकि भाई वो छोटी बैंकें हैं। लेकिन इसमें यहाँ पर आप ध्यान रखिए, यहाँ पर भारतीय बैंकें नहीं है, यहाँ पर भारतीय बैंक नहीं है, भले ही उसकी एक शाखा क्यों ना हो फिर भी उसको इसमें शामिल नहीं किया गया। इसके लिए ऋण का, जैसे कुल ऋण इन्होंने अगर 100 रुपये दिया है तो 100 रुपये का 32%,
ओके 32% कितना हुआ, 32 रुपए। तो 32 रुपए इन्हें कहाँ देना पड़ेगा, प्राथमिकता वाले क्षेत्र में देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है, आप नोट लिख लीजिए कि इस बार से 2019-20 से ये वाला जो सामान्य नियम है वो खत्म हो जाएगा। तो यानी कि 19-20 निकल चुका है, कोरोना की वजह से वो पता ही नहीं चला। ओके तो कोरोना की वजह से वो निकल गया, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि अब ये खत्म हो गया है। अब सिर्फ और सिर्फ चाहे कोई भी विदेशी बैंक हो, भले ही उसकी एक शाखा हो या फिर 5 शाखाएं हो या फिर 20 हो या 50 हो या 100, उसके लिए ये फर्स्ट वाली कैटेगरी ही लागू होगी। ओके उसको यानी कि 100, अगर वो 100 रुपये लोन देती है तो उसका 40% देना पड़ेगा। 40%, तो 100 रुपये का 40% कितना हुआ, 40 रुपये हुआ। भले ही उस अगर कोई ऐसी विदेशी बैंक है उसकी सिर्फ एक ही शाखा है भारत में, तो फिर भी उसको पहली वाली कंडीशन ही माननी पड़ेगी। ओके चलिए मैं इस वीडियो को यहाँ पर ही फिनिश करता हूँ। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और कल का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम लोग देखेंगे बैंकों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन हम देखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग सब लोग ऑनलाइन रहिए, 10 बजे, 10 बजे आप लोगों के लिए वीडियो मिल जाएगी। चलिए मैं इस वीडियो को यहाँ पर ही फिनिश करता हूँ।